नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम टेंडर सबमिटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे टेंडरिंग हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि टेंडर करते समय हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, जैसे टेक्निकल है, कमर्शियल है, अलॉन्ग विथ दिस हमको कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ता है। जैसे वो प्रोजेक्ट हम कैसे एग्जीक्यूशन करेंगे, इसमें कौन सा स्टाफ यूज करेंगे, कौन सा मशीनरी यूज करेंगे, उसका एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स हमको देना पड़ता है, तो उसको टेंडर सबमिटर्स बोलते हैं। वो टेंडर जब हम सबमिट करते हैं उसके साथ ही उसको देना पड़ता है, उसका लिस्ट टेंडर में मेंशन किया रहता है। सबसे पहले है बार चार्ट। बार चार्ट है वो टोटल प्लानिंग या फिर प्रोग्राम प्रोजेक्ट का, हम वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, स्टार्ट टू एंड कौन सी एक्टिविटी कौन से मंथ में करेंगे, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जैसे MSP में वो बार चार्ट सबमिट करते हैं। वो बार चार्ट होने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कौन कौन से स्टाफ आप वहाँ डिप्लॉय करने वाले हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, वो भी सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद में लिस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जैसे वो प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी मशीनरी और इक्विपमेंट आप यूज करने वाला है, कब यूज करने वाला है, उसका एक डिटेल देना पड़ता है। उसके साथ ही उसके बाद में कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी। कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी मतलब वो प्रोजेक्ट आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे स्टार्ट टू एंड, जैसे मतलब कब वो एग्जीक्यूट करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे करेंगे, कौन सा मशीनरीज या फिर इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, उसका डिटेल हमको उसमें देना पड़ता है। कौन कौन सा मेथड हम एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे और किस तरह से हम वो प्रोजेक्ट टोटल स्टार्ट टू एंड एग्जीक्यूट करेंगे, उसका एक समरी हमको सबमिट करना होता है। उसके बाद में लिस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर डिटेल्स, इसमें कौन कौन से सब कॉन्ट्रैक्टर्स हम यूज करने वाले हैं, कभी कभी वो क्लाइंट वो भी मांगते हैं तो उनके नाम भी देना पड़ता है। इसके बाद है लेबर हिस्टोग्राम। लेबर हिस्टोग्राम मतलब लेबर डिप्लॉयमेंट शेड्यूल, वो कौन कौन से लेबर वो हमको मंथ वाइज कब कितने नंबर यूज करना है, उसका भी डिटेल देना है। जैसे कि जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो पहले महीने में अनस्किल्ड लेबर कितने लगेंगे, स्किल्ड लेबर कितने लगेंगे, ऐसे मंथ वाइज उसका एक प्लानिंग बना करके उसका एक हिस्टोग्राम आता है, जैसे एक चार्ट आता है, वो हिस्टोग्राम भी हमको सबमिट करना पड़ता है। इसके साथ ही मैन पावर डिप्लॉयमेंट लेबर, जैसे वो प्रोजेक्ट के लिए लगने वाली मैन पावर या फिर स्टाफ जो है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर्स, वो आप कौन से मंथ में से वहाँ डिप्लॉय करने वाले हैं, उसका भी डिटेल देना पड़ता है। तो उसका भी एक हिस्टोग्राम के हिसाब से हम बना के उनको सबमिट कर। इसके बाद है कंसेंट लेटर्स। कंसेंट लेटर्स मतलब हम लोग वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर यूज डिप्लॉय करने वाले हैं, उनसे हमको एक कंसेंट लेटर लिख के रहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट हमको अवार्ड हुआ तो हम इनके साथ ये काम करने के लिए तैयार है। स्पेशलाइज्ड आइटम्स है इलेक्ट्रिकल, HVAC, प्लम्बिंग, वाटर प्रूफिंग, इस टाइप के आइटम के लिए हम जो सब कॉन्ट्रैक्टर से कोट लेते हैं उनसे कंसेंट लेटर भी लिख के लेना पड़ता है। तो उसके बाद है टेक्नो कमर्शियल पॉइंट्स या फिर अनेक्शन, ये ज़्यादातर प्राइवेट टेंडर के लिए यूज होता है। जहाँ प्राइवेट टेंडर में कैसा है कि कुछ कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि आपने क्या अज्यूम किया है, आप कंसिडर किया है, वो आप हमको नोट करके बताइए, और आपका क्या क्या टर्म्स कंडीशंस है वो भी आप हमको बताइए, जैसे हमको कितना मोबाइलेशन एडवांस चाहिए, फिर आपका कैसे कौन कौन सी चीज़ हमने कंसिडर किया है वर्कआउट करने के लिए, वो सब डिटेल, या फिर अगर आप पेमेंट डिले हुआ तो कैसे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, आपको टाइमली पेमेंट करना पड़ेगा। टेक्नो कमर्शियल पॉइंट मतलब आप कौन कौन से चीज़ कंसिडर करके आपने वर्कआउट किया है टेक्निकली, या फिर BOQ में कुछ चीज़ें मेंशन नहीं रहते तो आपने अज्यूम करके वो मेंशन किया जाता है, जैसे पर्टिकुलर ये मटेरियल है वो नहीं मिलता तो उसके जगह आपने दूसरा मटेरियल को यूज़ किया है तो उस हिसाब से हो गया, या फिर आपका जो भी टर्म्स कंडीशंस है कमर्शियल है टेक्निकल है वो सभी डिटेल मेंशन करना पड़ता है। ये ज़्यादातर प्राइवेट टेंडर के लिए होता है, गवर्नमेंट के लिए नहीं, उसको हम अनेक्शन भी बोल सकते हैं। तो इतने सारे सबमिटल्स अलॉन्ग विद टेंडर डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करना पड़ता है, और जब टेंडर सबमिट होता है तो ये क्लाइंट ये पॉइंट्स भी चेक करता है, अगर इसमें अब हम लोगों ने कुछ मिस कर दिया तो हमारा टेंडर भी रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा
टेंडर सबमिटल्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर रहते हैं टेंडर सबमिट करने के लिए, और ये डॉक्यूमेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या कंटेंट रहता है। इन ब्रीफ एक जो प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसका डिटेल्स रहता है, जैसे कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी से लेके सब कॉन्ट्रैक्टर डिटेल, सब कॉन्ट्रैक्टर यूज, वो पूरा मतलब कौन सा एक्टिविटी हम कब करेंगे, बार चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, लेबर डेवलपमेंट शेड्यूल, ये सब डिटेल हमको सबमिट करना पड़ता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।